कादिर और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो। आज हम लिविंग फेथ गॉस्पल चर्च में मौजूद हैं, खुदा के बंदा, खुदा के खादम पास्टर अरशद भट्टी के पास आए हैं ताकि हम उनसे गुफ्तगू कर सकें, उनकी खिदमत के बारे में उनसे बात कर सकें, और हम बहुत ही जो है खुदा की हजूरी को महसूस करने वाले हैं, तो आए हम उनसे बात करते हैं। पास्टर सलाम। खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। कैसा फील कर रहे हैं आज हम आपके पास आए हैं ताकि हम आपकी खिदमत के बारे में और भी बहुत सारी गुफ्तगू आपके साथ करने वाले हैं? मैं मसीह में ग्रेस नेटवर्क का शुक्रगुजार हूं और पास्टर दानिश पीटर का भी शुक्रगुजार हूं कि जिन्हें खुदा ने यह विजन दी ताकि वो मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को पूरी दुनिया में ले जाने वाले, और मेरा ईमान है कि खुदा आने वाले दिनों में अपने बंदा को और ग्रेस नेटवर्क को पूरी दुनिया में बाकसरत तौर से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि आप कितने अरसे से खुदा की खिदमत कर रहे हैं और किस तरह से आपने खुदा को कबूल किया? खुदा यीशु मसीह का शुक्र हो कि अरसा 11 साल से मैं एज ए पास्टर की खिदमत कर रहा हूँ और खुदा यीशु मसीह को कबूल किए हुए मैंने 1992 में मार्च के महीने में खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। तकरीबन कोई 30 से 31 साल मुझे खुदा यीशु मसीह में आए हुए और पास्टर की और एज ए चेयरमैन की खिदमत करते हुए मुझे 11 साल के करीब हो चुके हैं, और इस वक्त कराची के अंदर हमारे तकरीबन चर्च जो हैं वो 4 के करीब चर्चेज हैं जहां संडे के रोज़ संडे सर्विस होती है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे खादम हैं जो ऐसे एवेंजलिस्ट, मुबशर और मुबशराना बेटे बेटी काम कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर वो खुदा की खिदमत को कर रहे हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई खुदा के बंदा के साथ, और उन्होंने बताया कि उनके और भी 4 चर्च हैं, 4 और भी ब्रांचेज हैं जिनमें इनके अपने ही खादिम जो हैं जो खुदा के कलाम की खिदमत को कर रहे हैं। तो पास्टर साहब, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, कोई ये ख़ास वजह कि आपने जो खुदा की कुदरत को या खुदा को कबूल किया? बथेरे लोगों से मेरी गुफ्तगू होती है तो उन्होंने बताया कि ये एक ख़ास वजह थी जिस वजह से मैंने खुदावंद को कबूल किया। कोई बुलाहट या कोई ऐसी बात आपकी ज़िंदगी में हुई हो कि जब आप खुदा के करीब आ गए? बिल्कुल, खुदावंद के पास कोई भी गुनाहगार शख्स ऐसे नहीं आता, तो मेरी ज़िंदगी में भी खुदा ने एक बड़ा जलाली काम किया। सबसे पहले मेरी मिसेज ने खुदावंद को कबूल किया, और जब उन्होंने कबूल किया तो वो रूह कुदस याफ्ता हो गई और गैर ज़ुबान बोलने लगी, तो मैं उन पर बड़ा हंसता था, बहुत ज़्यादा उनको मजाक करता था, लेकिन उन्होंने कहा ये खुदा उनकी तरफ से है। मैंने कहा अगर ये वाकई ही खुदा उनकी तरफ से है तो उस खुदा को कहो कि वो मेरी ज़िंदगी में भी काम करे। तो हुआ ये कि उन्होंने मेरे लिए दुआ करना शुरू की, और चंद महीनों के बाद मैं अपनी छत पर सोया हुआ था और ये वाकया तकरीबन 3 से 5 बजे के दरमियान का है कि मुझे खुदा ने आवाज़ दी और मुझे खुदा ने कहा कि अरशद उठ, तेरी मुझे ज़रूरत है। और जब मैंने इस आवाज़ को सुना तो मैं फ़ौरन उठ गया। मैं, मेरी बीवी नीचे सो रही थी, मैं उनके पास गया तो मैंने कहा इस तरह मुझे खुदावंद ने आवाज़ दी है, तो ये आवाज़ खुदावंद की है, चलो जहाँ आप जाती हैं प्रे मीटिंग के लिए मुझे वहाँ ले जाएं। तो उन्होंने कहा वहाँ तो शाम को जाएंगे, तो फिर हम वहाँ शाम पर गए, और जब हम शाम को वहाँ गए तो मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा माहौल नहीं देखा था। वहाँ अजीब माहौल, एक जलाली माहौल था, खुदा के लोग हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे, और जब मैं वहाँ इंटर हुआ, दुआ करनी मैंने शुरू की, जो पास साहब थे वहाँ, पास्टर बशीर साहब, वो लीड कर रहे थे, तो मेरे आंसू बहने लगे। मुझे एहसास हुआ कि मेरे इतने गुनाह हैं, मैं तो गुनाह में ज़िंदगी बसर करूँ, और मैंने रो रो कर अपने गुनाहों का इकरार किया। और सेकेंड डे फिर मैं वहाँ गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेकेंड डे जब मैं वहाँ गया तो खुदा ने एक जलाली काम किया कि मेरी खुद ब खुद ही ज़ुबान बदल गई और मैं रूह कुदस से मामूर हो गया और गैर ज़ुबान बोलने लगा। आमीन, हालेलुया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी अच्छी खुदा के बंदा ने अपनी टेस्टिमनी दी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले वो उन्होंने खुदा के कलाम को, खुदा की हजूरी को हकीर जाना, लेकिन जब खुदा ने उनसे कलाम किया सोए हुए सुबह के पहर में, खुदा ने जिस तरह अपने बंदा सैमुअल को पुकारा, और इसी तरह खुदा का बंदा ये बताता है कि खुदा ने उसे पुकारा और जब उन्होंने
खुदा की आवाज़ को सुना, जिस तरह यूहन्ना की इंजील में लिखा है 10वें बाब में कि यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। तो मुबारक हैं वो लोग जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। पास्टर साहब, हमें बड़ी खुशी हुई आपसे गुफ्तगू करके। खुदावंद आपको, आपके घराने को, आपके साथी को और औलाद को और इस कलीसिया को खूब बुरुमंद करे और आप खुदा के जलाल और उसके इरफान में बढ़ते चले जाएं और इस रूह ज़मीन पर खूब फैलें और खुदा का फजल हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे। एक आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और हम अगस्त के महीना में जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं और पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो जश्न आज़ादी को जो है वो मनाया जा रहा है और 14 अगस्त को जो है सारे शहर को सजाया जाएगा, रंग बिरंगी झंडियां और पाकिस्तान के जो मतलब झंडे हैं, फ्लैग हैं, वो लगाए जाएंगे और आज़ादी जो है एक बड़ी नेमत है। आप आज़ादी के बारे में कुछ कहेंगे? जी ज़रूर, मैं एक बात मेरे अंदर जो खुदा ने इस वक्त डाली है कि जिस तरह हम पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं, इसी तरह यीशु मसीह ने भी हमें आज़ाद रहने के लिए, आज़ाद रखने के लिए अपना खून बहाया, अपना कफारा दिया है, हमारी कीमत अदा की है। तो पाकिस्तान के शहरी कभी अपने आप को ये नहीं कह सकते हम ग़ुलाम हैं, वो अपने आप को हमेशा कहते हैं हम आज़ाद हैं। इसी तरह खुदा ने हमें गुनाहों से जब आज़ाद किया है तो उसने हमें इसलिए आज़ाद किया है कि हम आज़ाद रहें, ना कि फिर गुनाह की ग़ुलामी में जाने वाले हों। बहुत सारे रास्तबाज हैं जो अपने आप को रास्तबाज कहते हैं लेकिन वो गुनाह की ग़ुलामी में भी हैं। तो मेरी उन तमाम बहन भाइयों से इस बात के लिए गुजारिश है कि वो अपने आप को गुनाह के हवाले ना करें, अपने आप को अबलीस के हाथों में ना दें। जाने कि आपका कफारा हो चुका है, जाने आप आज़ाद किए गए हैं। खुदावंद यीशु ने आपको आज़ाद करने के लिए, आज़ाद रहने के लिए एक बड़ी कीमत अदा की, अपना खून बहा दिया। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता लेकिन मसीह यीशु ने हमारी गुनाहों की खातिर अपनी जान दी। देखिए कितना बड़ा उसने काम किया, कितनी बड़ी मोहब्बत की। बाइबल में और दुनिया में हमें कहीं कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह मसीह की मोहब्बत की मिसाल हमें मिलती है। बाइबल में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। हमें उसने हमेशा की ज़िंदगी के लिए आज़ाद किया है ताकि उस हमेशा की ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएं और कामिल होते जाएं, ताकि जब यीशु आए तो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले हो। या जिस तरह पालूस कहता है कि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। अगर आप ज़िंदा हैं तो आपका ज़िंदा रहना मसीह है, अगर आप मसीह में मर भी गए तो आप मरे नहीं बल्कि मसीह में ज़िंदा हैं। और अगर आप मौजूद होंगे और यीशु आ जाएगा और नरसिंगा फूंका जाएगा तो आप जाने कि आप हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करें। बाइबल ये बात बयान करती है जान देने तक वफादार रहे तो तुझे ज़िंदगी का ताज हो। हालेलुया, बहुत खूबसूरत बात खुदा के बंदा ने कही। तो भाई साहब, आप ग्रेस नेटवर्क चैनल के बिहाफ पर क्रिश्चिया को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी मैसेज? हाँ जी बिल्कुल ज़रूर। जी जी, मैं इस बात के लिए ग्रेस नेटवर्क के लिए शुक्रगुजार हूँ। एक डिफरेंट और अच्छा काम कर रहे हैं खुदा के लोग और इसी के साथ साथ मैं ये जितने भी ग्रेस नेटवर्क देखने वाले हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि खुदावंद की आवाज़ को अगर आप सुन रहे हैं, खुदा के कामों को देख रहे हैं तो इस बात को जाने कि खुदा आपको बुला रहा है। खुदा आज आपको ग्रेस नेटवर्क के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली और शिफा और निजात को लाना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है जब तुम उसकी आवाज़ सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आज हम सुन हो चुके हैं, जाने इस सुनने का कोई फ़ायदा नहीं बल्कि इस पर अमल करने का और कदम बढ़ाने का ये वक्त है। अब भी हम सोए रहे तो जाने वो आ जाएगा, अगर वो आ गया तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे पास अब वक्त है। हालात बता रहे हैं, वाकयात बता रहे हैं, इस वक्त मौजूदा हालात आप जानते हैं पूरी दुनिया के किस तरह के लॉकडाउन के हालात हैं, कोरोना वायरस जैसी वबा की लोग जद में आ रहे हैं, मर रहे हैं लोग, फाकाकशी कर रहे हैं, जॉब्स नहीं हैं। ये तमाम हालात हमें यीशु की आमद के बारे में बता रहे हैं। इसलिए बहनों और भाइयों जो सुनने वाले देखने वाले तैयार हो जाएं, कहीं रह ना जाएं, कहीं आप सोए ना रहें, कहीं आप घरों में बैठे ना रहें बल्कि घरों से बाहर निकलें और अपनी गवाही को दूसरों तक पहुंचाएं
कि मेरी ज़िंदगी में खुदा ने ये काम किया। बहुत सारी जिंदगी में खुदा काम कर रहा है, बहुत सारी जिंदगी में शिफा के काम को कर रहा है, नजात के काम को कर रहा है। तो आइए उस निजात और शिफा के काम की गवाही दें और दूसरी जिंदगियों को जो गुनाह में है, दूसरी जिंदगी जो ग़ुलामी के अंदर है, उन्हें पैगाम दें कि यीशु ने आपको शिफा और आपको आज़ाद किया है ताकि आप मसीह के साथ जान देने तक वफादार रहें। खुदावंद एक एक बेटी एक एक बेटे को बरकत दे और अपने साथ जुड़े रहने का फसल बख्शे। छोटी सी बात, पालूस ये बात कहता है, देखो हम में से कोई रहा हुआ मालूम ना हो, कोई भी रहना नहीं चाहिए, कोई बहन, कोई बेटी, कोई भाई, कोई दोस्त, बल्कि सबको ये पैगाम दे कि यीशु निजात देता है, यीशु आपको प्यार करता है, यीशु आपको लेने के लिए आ रहा है। आमीन। इस खूबसूरत गुफ्तगू के लिए और इस खूबसूरत पैगाम के लिए जो खुदा के बंदा ने मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया को दिया है, हम शुक्रगुजार हैं और हम दुआ गो हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा आपको, आपकी कलीसिया को और आपके घराने को खूब बढ़ाएं। तो देखते रहें ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन।